फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी फूडीज। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक आलू। ये तो पालक आलू आपने बहुत तरीके से बनाया होगा और खाया भी होगा, पर आज एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखिए। तो इसके लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, उसमें डालेंगे सौंफ, सरसों, जीरा और मेथी दाना आधी छोटी चम्मच, एक बड़ी डाल दिया है मैंने फोड़ कर। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिए। उसके बाद मैंने दो कटी हुई मिर्ची डाली है, 5 से 7 कटी हुई लहसुन डाला है। इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें मैंने डाला है बारीक कटा हुआ पालक, इसको मैंने साफ करके धोकर रख लिया था। इसे डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आलू, इसको भी मैंने साफ करके काट के रख लिया है। सारा आलू मैंने डाल दिया है। ये मैंने 2 आलूओं का यूज़ किया है, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया, मेरे पास थोड़ा सा ही हरा धनिया है, आप अच्छे से क्वांटिटी में डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पालक की सब्ज़ी में। आप एक बार डाल कर देखिए धनिया की पत्ती इसमें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, इसमें नमक थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि पालक का अपना कड़वापन होता है, नमक होता है उसमें, तो आपको कम ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा साइज़ का टमाटर, उसे काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। इसे 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। देखिए 5 से 7 मिनट बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपका पालक आलू का सब्ज़ी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा। कुछ इस तरीके का हो गया है और बहुत ही हेल्दी है, कोई मसाला वसाला नहीं है इसमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखें।